हेलो फ्रेंड्स, आज हम बटर पनीर मसाला की रेसिपी बताएंगे जैसी होटल एंड रेस्टोरेंट्स में मिलती है, एकदम मखमली और क्रीमी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मखनी बनाने के लिए हम 3 टमाटर लेंगे, अदरक का टुकड़ा लेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज, 2 मिर्ची और खड़े मसाले में 7 से 8 काली मिर्च, 4 क्लोव दालचीनी, स्टार एनिस, 1 बड़ी इलायची और 2 कड़ी पत्ते लेंगे। अब हम सभी सब्जियों को बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। जरूरी नहीं कि इनको बारीक बारीक चॉप करें। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें पानी भर देंगे आधा कप और उसको गरम करेंगे थोड़ा सा। और फिर इसके बाद हम सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, लगभग 5 मिनट के लिए। अब इसके बाद हम सभी मसाले डाल देंगे और इन्हें भी पकाएंगे ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। एक उबाल आने पर इसको हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर। अब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज करी है तो मैंने इसे 1.5 चम्मच डाला है। अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच ही डालें क्योंकि वह तीखी होती है कश्मीरी लाल मिर्च से ज़्यादा। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे इसको, जब तक टमाटर और प्याज गल जाए। इसको पकाने के बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि हम इसका अच्छे से पेस्ट बनाएं। अब हम इसका मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट चाहिए तो हम इसे थोड़ा सा और पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छा फाइन पेस्ट बन जाए, नहीं तो ये फाइन नहीं होगा पानी नहीं डालेंगे तो। अब हम इसका छान लेंगे ताकि एकदम प्योरी, एकदम फाइन और क्रीमी हो, उसमें कोई भी दाने ना आए किसी भी मसाले का जो पिसा ना हो या फिर लहसुन या कल अदरक ना आए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा फिर बाद में खाते वक्त जब बीच में आएगा तो दानेदार लगेगा, इसलिए हम इसको अच्छे से छान लेंगे। और एक बार छानने के बाद जो बचे हैं मसाला है उसको भी एक थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर मिक्सी में घुमाएंगे और बाकी का निकाल लेंगे। देखिए कितनी मस्त फाइन प्योरी बनी है। ये प्योरी बन गई हमारी और हमने 250 ग्राम पनीर के डाइस कर लिए। आप चाहे तो इसके ट्रायंगल भी कर सकते हैं। ये मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम लिए, ये डेकोरेशन के लिए गार्निशिंग। ये 50 ग्राम बटर अनसॉल्टेड बिना नमक वाला। ये काजू और बादाम, काजू और मगज के बीज के पेस्ट है, ये फाइन पेस्ट। 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम मगज के बीज और आधा चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच गरम मसाला। एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल लेंगे, उसका थोड़ा सा गरम करके उसमें हम प्योरी डाल देंगे।
क्यूई को हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। कुछ देर तक पकाने के बाद हम इसमें काजू और मगज के बीज का पेस्ट डाल देंगे। काजू 50 ग्राम और मगज के बीज हम 50 ग्राम लेंगे और उसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे एकदम फाइन, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसको भी अच्छे से कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें बटर डाल देंगे जिससे इसका अच्छा सा क्रीमी और टेक्सचर आएगा अच्छा सा। अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला धनिया का, और नमक भी ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो जितना डालना चाहो, अगर आपने अमूल बटर इस्तेमाल किया है तो नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि अमूल बटर में नमक पहले से ही होता है, और ज़्यादा नमक हो गया है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर अब इसमें हम पनीर डाल देंगे थोड़ी देर बाद। अब चाहे तो पनीर को तल के भी डाल सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे ही डाल दें, ऐसे और भी सॉफ्ट लगते हैं। अगर आपको ऐसे कच्चा पनीर पसंद ना हो तो तल के डालें, और थोड़ा ढकने के बाद देखिए ये रेडी है। और सर्व कीजिए पराठे के साथ और इंजॉय करिए। और जाने से पहले लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक्स।